सोलन के माल रोड पर पंजाबी महासभा द्वारा श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर नूरपुर में हुए हादसे में मृतक बच्चों की आत्मा की शांति के लिए शहरवासियों ने फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। जिला पुलिस अधीक्षक मोहित चावला भी इस मौके पर विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने भी इस मौके पर कैंडल जलाकर मृतक बच्चों के लिए प्रार्थना की। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित लोगों ने मृतकों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा और ये कामना की कि इस तरह का दिल दहला देने वाला हादसा हिमाचल में दोबारा ना हो। इस मौके पर मृतक के परिजनों को ये संदेश देने का प्रयास किया गया कि दुख की घड़ी में सारा प्रदेश उनके साथ है। जिला पुलिस अधीक्षक मोहित चावला ने कहा कि नूरपुर में हुआ हादसा बेहद भयानक है और मन को कचोटने वाला है, जिसमें हमने नन्हे मुन्ने मासूमों को हमेशा के लिए खो दिया। इस घटना से न केवल उनके परिवार को दुख पहुंचा है, बल्कि उनके दुख में समूचा हिमाचल डूबा हुआ है। उन्होंने कहा कि इस घटना से हम सबको सबक लेना चाहिए और बस में जो सुरक्षा के नियम है उन्हें भी अपनाने चाहिए। चाहे स्कूल, पुलिस या जिला प्रशासन हो, इस मामले में संवेदनशील और जागरूक होकर कार्य करे ताकि इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि जब मासूम जाने घर से निकलती हैं तो उसके बाद समाज की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वे उन्हें वापस सुरक्षित घर पहुंचाए। जो ट्रेजिक इंसिडेंट धूलपुर में हुआ, जिसमें हमने मासूम बच्चों को खोया, वो कुछ परिवारों का लॉस नहीं है, वो पूरे हिमाचल का लॉस है। वो पूरे हिमाचल के बच्चे थे। परमात्मा उन बच्चों की आत्मा को शांति दे। आगे हम इसे एक सबक लें कि जो बच्चों की मासूम जाने हैं, उनकी हम सबकी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्कूल हो, पेरेंट्स हो, पुलिस हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, अब जो ड्राइवर रहते हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। बसों में जो सिक्योरिटी पैरामीटर्स हैं, इनफैक्ट जो स्कूल के अंदर भी सिक्योरिटी पैरामीटर्स हैं, हम मिलकर इस आवाज़ को उठाएं और बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी हम इंश्योर करें। स्कूल को चाहिए कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने ऑलरेडी पैरामीटर्स बताए हुए हैं कि जो बसेज में होना चाहिए। आप हम अपने बच्चों को, मासूम जानों को घर से भेज देते हैं, उसके बाद हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब तक वो घर वापस नहीं आते वो सुरक्षित रहें और सेफ रहें।